मैं बात करने वाला हूँ बीजी मिकाया के बारे में, एक ए ओवर स्टोरी, एक ए हमारी कहानी टीवी सीरीज़ के बारे में। ये एक तुर्किश ड्रामा टीवी सीरीज़ है जो 2017 में रिलीज हुई थी और 2019 तक चली थी, और इसके सीज़न 1 और 2 को मिलाकर इसके टोटल 237 एपिसोड्स हैं, और ये मेरी अब तक की सेकेंड मोस्ट फेवरेट टीवी सीरीज़ है। तो आप में से शायद कई लोग ये भी सोच रहे होंगे तो मेरी नंबर वन फेवरेट टीवी सीरीज़ कौन सी है, तो वो है द फेमस इंडियन टीवी सीरीज़ महाभारत, जिसका आज भी इंडिया में एक अलग ही फैन बेस और क्रेज़ है। लेकिन फिलहाल हम उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, और मैं बताऊंगा कि आपको ये टीवी सीरीज़ बिजी मिकाया क्यों देखनी चाहिए और इसकी क्या क्या खासियतें हैं। और साथ ही साथ ये टीवी सीरीज़ यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है उर्दू वन चैनल पर हमारी कहानी के नाम से, तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर इसे ज़रूर देखें। तो अब मैं आपको इस टीवी सीरीज़ की स्टोरी लाइन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इस सीरीज़ में एक एलिबॉल फैमिली है जिसमें टोटल 6 भाई बहन हैं, रहमत, फिज़ा, किरण, फारूक, इज्मत और हिकमत, और इन 6ों का एक ही फादर है जिसका नाम है फकरी, और वो एक नंबर का जाहिल इंसान है क्योंकि वो एकदम ही केयरलेस है और उसे अपने बच्चों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इस वजह से फिज़ा, जो इन सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी है, वो अपने भाई बहनों का इस तरह ख्याल रखती है जैसे कि वो उनकी माँ हो, और इस वजह से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो अपने भाई बहनों की पढ़ाई पूरी करवा सके और उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान बनवा सके। लेकिन इसी बीच उसकी लाइफ में एक मिस्टीरियस सा लड़का आता है बासित, और वो उसकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, और इससे वो उस दुनिया की हर एक खुशी दिलाने की कोशिश करता है जिसके बारे में फिज़ा ने कभी सोचा भी ना हो। और इस वजह से बासित उसकी फैमिली में घुल मिल जाता है और उसके फैमिली के एक सदस्य की तरह बन जाता है। तो अब मैं आपको इस सीरीज़ के कुछ फेमस कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन दिलवाऊंगा, लेकिन इस सीरीज़ में ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, फिर भी मैं कुछ वेल नोन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो मैं शुरुआत करूंगा एलिबॉल फैमिली के सबसे बड़ी बेटी से जिसका नाम है फिज़ा, और ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की है, और इस कैरेक्टर का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये अपने भाई बहनों की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहती है, और ये चाहती है कि इसके भाई बहन एक सक्सेसफुल इंसान बने। लेकिन इस कैरेक्टर की एक वीकनेस है कि ये झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस वजह से कई बार इसकी लड़ाई अपने भाई बहनों के साथ हो चुकी है क्योंकि उन्होंने इससे झूठ बोला, यहाँ तक कि इसकी लड़ाई अपने लव बासित के साथ भी हो चुकी है इस बात को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं बासित के बारे में, जिसे फिज़ा से प्यार हो जाता है, और ये जब फिज़ा की लाइफ में आता है तब फिज़ा की लाइफ बदल सी जाती है। और ओवरऑल हम देखें तो ये लड़का इस सीरीज़ का शरलॉक होम्स है, क्योंकि इसके पास हर एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता ही है, और एक तरह से देखा जाए तो ये एलिबॉल फैमिली का फायर ब्रिगेड है, क्योंकि जब भी एलिबॉल फैमिली की लाइफ में मुसीबत की आग लगती है तब ये उसे बुझाने चला आता है, और ये एक तरह से एलिबॉल फैमिली की लाइफ में घुल मिल चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं फकरी एलिबॉल के बारे में, जो इस सीरीज़ का सबसे लालची और चालबाज इंसान है, क्योंकि एलिबॉल फैमिली पर आने वाली जितनी भी 95% जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसका कारण अल्टीमेटली फकरी ही होता है। लेकिन इस कैरेक्टर की एक खासियत है कि ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फनी है, और पूरे सीरीज़ में सबसे ज़्यादा किसी ने कॉमेडी करवाई हो तो वो फकरी ही है, वरना जिस हिसाब से इसके काम है ना आपको इससे नफरत हो जाती, लेकिन इसकी कॉमेडी की वजह से लोग इसे पसंद करते हैं और इसका क्रेज़ बना रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं रहमत एलिबॉल के बारे में, जो कि इस सीरीज़ का सबसे मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट बंदा है, क्योंकि इसने हाई स्कूल के टाइम पे ही कॉलेज लेवल के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखा दिया था। लेकिन ये अपनी फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए ये पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान ना देकर पैसों कमाने के पीछे और अपनी लव लाइफ में ये ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन सुन इसकी अकल ठिकाने आ जाती है और ये अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले आता है अपनी बहन की बात मानकर। तो अब हम बात करने वाले हैं हिकमत एलिबॉल के बारे में, और ये भी फिज़ा का भाई है, और इस बंदे ने सीरीज़ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है भाई, बहुत बड़ी बड़ी, आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि इसकी प्रेजेंस सीरीज़ में बहुत ही कम है, लेकिन जब जब ये आया है तब तब इसने कोई बड़ी ना बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की ही है, और इसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस की है, लेकिन हालाँकि एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है एंडिंग के साथ। तो अब मैं बात करने वाला हूँ किरण और फारूक के बारे में, जहाँ एक तरफ फारूक है जो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा है और उसे जल्द से जल्द गुस्सा आ जाता है, वहीं दूसरी ओर किरण है जो एक बहुत ही स्वीट सी लड़की है और अपनी बहन की सारी बातें मानती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो भी एक गलत ट्रैक पर चली जाती है। लेकिन सीरीज़ की एंड आते आते दोनों ही भाई बहन अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पर लाते हैं, और ये सीरीज़ एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है, और दोनों ही भाई बहनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है फैमिली को लेकर। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इज्मत एलिबॉल के बारे में।
बारे में, जो कि एलिबॉल फैमिली का सबसे छोटा सदस्य है और ये बहुत ही क्यूट सदस्य है, और इसका बार बार डायलॉग्स को रिपीटेडली बोलना इसकी इनोसेंस को सिग्निफाई करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग पर्सन भी है इतनी छोटी एज में, और ये एक तरह से प्योरिटी को भी सिग्निफाई करता है पूरी सीरीज़ में। लेकिन ऐसा भी सीरीज़ में लगता है कि वक्त के साथ साथ ये भी अपने भाइयों की तरह झूठ बोलना सीख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं याले के बारे में, जो कि फिज़ा की बेस्ट 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 फ्रेंड है, और ये फिज़ा को हर तरीके से सपोर्ट करती है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या मेंटली हो। और साथ ही साथ इसका एक बॉयफ्रेंड भी है तोरण, और ये दोनों ही कपल साथ में बहुत ही क्यूट और हैप्पी लगते हैं। और रही बात इसके बॉयफ्रेंड तोरण की, तो तोरण सीरीज़ में एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान दिखाया गया है, जो हर चीज़ को बड़े शांत दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ जमील के बारे में, जो कि एक काबिल ऑफिसर दिखाया गया है इस सीरीज़ में, लेकिन सीज़न वन में इसे एक विलन की तरह दिखाया गया है, क्योंकि ये फिज़ा से प्यार करता था। लेकिन ऑफकोर्स फिज़ा तो बासित से प्यार करती थी, इसलिए कई बार बासित की और जमील की लड़ाई भी होती है, लेकिन अंत में उसे ना चाहते हुए भी फिज़ा को छोड़ना पड़ता है। लेकिन सीज़न टू में इसको इसका सच्चा प्यार मिल जाता है, और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये टीवी सीरीज़ किस कैटेगरी के अंडर आती है। अगर इस सीरीज़ की कैटेगरी की बात करें तो इस सीरीज़ में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ देखने को मिल जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, क्राइम, थ्रिलर, मिस्ट्री, आपको इसमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस सीरीज़ के सीज़न वन के एंड में हमें अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और जहाँ पर अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर तो क्राइम, थ्रिलर, एक्शन तो होना ही है। इसलिए ये मत समझना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली फ्रेंडली शो है, इसे हर कैटेगरी के लोग बड़े इजीली एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए इसे शेयर भी करना। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन बीजी मिकाया, और सच कहूँ तो ये सीरीज हमारे दिल में एक इमोशनल टच क्रिएट करती है, और ये मुझे सो मच रियलिस्टिक सीरीज लगी। इसलिए आप प्लीज इसे जाके जरूर देखना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कर दूंगा। ओके।